अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये शिरूबा कंपनी की मशीन है, ओवरलॉक मशीन, और इसका मॉडल नंबर है 747F। तो दोस्तों अक्सर इसका जो हम टाइमिंग बांध रहे होते हैं और इस तरीके का कोई हम लोकल ब्रांड का नया लूपर लगाते हैं और वो लूपर अपने जगह पर सेट नहीं होता है, तो आज कुछ नया सिखाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों को। आज आप लोगों को हम पाकिस्तानी टाइमिंग बांधने का तरीका बताएंगे। इतने दिनों से हमने जापानी टाइमिंग बांधने का तरीका बताया था, ये पाकिस्तानी टाइमिंग बांधने का तरीका बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग ऐसे मसले पे कहीं पे भी नहीं फंसेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसका हम निडल प्लेट और ये अपर नाइफ और इसका फिट होगी, ये तीन चीज़ खोल लेंगे ताकि हमें वीडियो बनाने में आसानी हो और नज़र भी सही हो। तो ये हमने निडल प्लेट का स्क्रू खोल के हटा लिया है और भी बाकी चीज़ें मैं खोल लेता हूँ। दोस्तों ये नाइफ असेंबली भी हमने इसका यहाँ से खोल के हटा लिया है और इसके बाद अब हम इसमें एक नया लूपर लगाएंगे। तो ये हमारे पास नया लूपर है, अक्सर ये लोकल ब्रांड का जो लूपर होता है ये शेप वेब इसका सही नहीं होता, यानी कि इसका जो शेप है वो सही नहीं होता, बाकी अब चिकना विकना बड़ा टाइट होता है, लेकिन ये जब फिट करेंगे तो आपको नज़र आएगा। इसको हम पन्नी से खोल लेते हैं। दोस्तों ये हमने इसको पन्नी से बाहर निकाल लिया, नंबर भी इसका सेम है KL25, और ये जो हमारा लूपर लगा हुआ है ये भी अभी सिलाई इसमें सही हो रहा था, बिल्कुल सही था। तो अभी हम नया लूपर लगाते हैं और नया लूपर लगा के आपको दिखाते हैं। दोस्तों लूपर का पहचान क्या होता है कि सही लूपर कौन सा होता है? सही लूपर वही होगा जिसका ये जो आगे का नोक होगा ये आगे से थोड़ा सा इस तरफ आ रहा होगा, ऐसे इस तरफ डाउन हो रहा होगा, तो वही सही लूपर है। और इसी तरीके से अपर लूपर भी अगर आपका जो नोक है वो इधर डाउन हो रहा होगा इस तरफ, तो वो सही लूपर है। अगर ऐसे बिल्कुल सीधा होगा, इस पर ऐसे हाथ फेरेंगे और यहाँ पर खुरखुराहट नहीं महसूस होगा, यहाँ अभी जैसे हमने इस पर सीधा हाथ फेरा तो जो जगह ऊपर होगा वो जगह महसूस होगा कि हाँ यार ये जगह थोड़ा इधर ऐसे ऊपर है। अगर आपने लोअर लूपर परचेस करना है तो आप उसको पहले देख लें ऐसे कि इसका नोक जो है वो बिल्कुल सीधा ना हो। जैसे एक मेरे पास पुराना लूपर पड़ा हुआ है, ये इसका नोक और इसका नोक में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, इसका नोक जो है ये थोड़ा बाहर की तरफ ऐसे आया हुआ है और इसका नोक बिल्कुल सीधा हुआ हुआ है। ये भी उसी नंबर का KL25 इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है ये और भी ज़्यादा डल ब्रांड है, यानी कि बिल्कुल सस्ता लूपर है और ये बीच की क्वालिटी है। तो इसके अंदर क्या मसला आता है ये डिस्कस करेंगे। इसका जो शेप है, जैसे लूपर का जो ये नोक है ये इस जगह से कितना इधर होना चाहिए या उधर होना चाहिए, इसी के अंदर फ़र्क आता है। तभी जैसे ये हमारा लूपर है, अभी इसका ये जो है ये डंडी थोड़ा इधर ज़्यादा लग रहा है मेरे को, और इसी तरीके से अगर हम ये वाली डंडी देखें इस लूपर का तो ये इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। तो दोनों को निकाल लेते हैं, निकाल के फिर देखते हैं। दोस्तों सिंपल ये है कि स्क्रू के ऊपर रुका हुआ है यहाँ से, इसको हमने यहाँ से ऐसे लूज़ करके बाहर निकाल देना, तो लूपर भी हमारा बाहर आ जाएगा। दोस्तों ये अभी हमारा पुराना लूपर है जो इस मशीन में लगा हुआ था और ये हमारा नया लूपर है, तो इन दोनों के डंडी में आपको 19-20 का फासला नज़र आ रहा होगा कि ये जो है ये कम इस तरफ घुमा हुआ है और ये वाला ज़्यादा घुमा हुआ। तो इसी चीज़ को मैं हल करके बताऊंगा। अभी इसके ऊपर मैं नया लूपर लगा रहा हूँ जो पन्नी से निकाला था, ये नया लूपर लगा के फिर हम इसकी टाइमिंग चेक करेंगे कि टाइमिंग किस तरीके का आ रहा है। तो लूपर को हमने जगह पे बैठा लेना है पहले, ऐसे हमने लूपर को जगह पे बैठा के और इसके स्क्रू को हम लगा लेंगे। दोस्तों स्क्रू को हमने मैग्नेट वाले पेचकस पे फंसा लेना है ऐसे, और इसके साथ एक थ्रेड गाइड भी है उसको भी हमने उसी के साथ फंसा लेना है स्क्रू के ऊपर ही, और फिर इसको हम ऐसे टाइट कर लेंगे जगह पे। तो ये हमारा लूपर अभी टाइट हो गया है। दोस्तों अभी हमें और भी सही से नज़र आए तो ये गाइड भी हम खोल लेते हैं यहाँ से, इस गाइड को भी हमने यहाँ से खोल के हटा लेना है ताकि वीडियो में नज़र सही आए। अब हम इसकी टाइमिंग को देखेंगे ऐसे, और अब हम व्हील ऐसे घुमा के चेक कर लेंगे। दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि जब वो लूपर हमारा लगा हुआ था वो सिलाई भी सही निकाल रहा था और ये हमारा कपड़े पर सिलाई भी निकला हुआ है, तो और ये वाला लूपर जो है ये आपको दिख रहा होगा ये निडल के पीछे से गुजर जा रहा है। तो सिंपल अब हम क्या करेंगे कि इसका जो 8 नंबर वाला पाना का स्क्रू लगा हुआ है लूपर होल्डर के ऊपर, इसको हम खोल लेंगे। अब इसको हम खोल लेंगे, खोलने के बाद इसकी टाइमिंग बांधेंगे। दोस्तों ये हमारा 8 नंबर का पाना है और इससे हम लूपर होल्डर को लूज़ कर लेंगे। दोस्तों ये हमने लूपर होल्डर लूज़ कर लिया। अभी हमें जैसा नज़र आ रहा है, अभी हमें नज़र क्या आ रहा है कि हमारा जो लूपर है वो निडल को टक्कर मार रहा है। अभी जैसे ये आपको दिखेगा ये बहुत ज़्यादा ऐसे टक्कर मार के, बल्कि निडल उस तरफ से गुजर जा रहा है, लूपर इधर ही से गुजर जा रहा है, तो ये गलत है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको लूपर होल्डर को क्या करेंगे अंदर की तरफ धक्का देंगे। अब हमने लूपर होल्डर को अंदर की तरफ धक्का दे दिया, धक्का देने के बाद फिर हम चेक कर लेंगे। दोस्तों अभी हम इसका ये टाइमिंग चेक कर लेंगे कि टाइमिंग इसका सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अभी जैसे हमने लूपर होल्डर को बिल्कुल पीछे की तरफ धक्का दे दिया, अब धक्का देने से क्या हो रहा है कि हमारा जो होल्डर है वो जाके बॉडी से टकर जा रहा है। ये अगर आप इधर से देखेंगे तो हमारा इस जगह से जो होल्डर है, इस जगह पे यहाँ पे जो हमारा होल्डर है
ये बॉडी के साथ टकर रहा है, तो इस तरीके से ये नहीं चलेगा। अब हमने क्या करना है, हमने इस शाफ्ट के सेंटर में चलाना है उसको, जो होल्डर है इस शाफ्ट के सेंटर में, और इस गाइड के सेंटर में हमारे लूपर चले, जो ये गाइड लगा हुआ है इसके सेंटर में हमारा लूपर चले। तो अभी जैसे ये हमें नज़र आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा लूपर जो है हमारा वो ऐसे बैंड हुआ हुआ है। अब अक्सर लोग क्या करते हैं कि इसके नीचे की तरफ लूपर में नीचे की तरफ इधर पैकिंग वगैरह रख के लूपर सेट कर देते हैं, लेकिन ये तरीका कामयाब नहीं है कि अगर कोई दोबारा लूपर खोलेगा तो दोबारा वो फंस जाएगा बंदा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि एक नोक पिलास ले लेते हैं, जैसे हमने नोक पिलास ले लिया। अब नोक पिलास लेने के बाद इधर से इस लूपर को ऐसे ऐसे इस तरफ चाणेंगे, ऐसे इसको चाणते जाएंगे और इसके अंदर गेप पैदा करते जाएंगे, निडिल और लूपर के अंदर गेप पैदा करना है। ऐसे हमने इसको चाणना है, जिस तरीके से मैं नोक पिलास से पकड़ रहा हूँ इसी तरीके से आपने पकड़ना है। ये नहीं कि खाली ऊपर वाली डंडी को आप पकड़ के इसको चाणेंगे तो ये टूट जाएगा, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से ऐसे पकड़ के इसको ऐसे चाणना है। अब क्या हो गया, निडिल और लूपर में गेप बढ़ गया। जब निडिल और लूपर में गेप बढ़ा तो अब हम क्या करेंगे, होल्डर को, जो लूपर होल्डर हमारा लगा हुआ है, इसको हम इधर से थोड़ा इधर कसका लेंगे अपनी तरफ। ये अभी हमने कसकाया थोड़ा सा चाण के, क्योंकि ये लोकल ब्रांड का या चाइना का लूपर आप लेंगे तो इस तरीके का आपको मसला फेस करना लाजमी पड़ेगा, क्योंकि जो जेन्युइन लूपर होता है उसमें भी ये मसला कभी कभी ताइवान का लूपर में आ जाता, हो सकता है कोई डाई का फ़र्क आ जाता है या कुछ आ जाता है बनाते वक्त, तो ये इस किस्म का फॉल्ट इस लूपर में आ जाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शिरूबा का लूपर हो, लूपर भले किसी भी ब्रांड का लूपर हो, किसी भी मशीन में लगता हो, उसमें ये फॉल्ट लाजमी आता है। तो अभी भी आपको जैसा दिख रहा होगा, हमने लूपर होल्डर को आगे किया लेकिन अब लूपर निडिल के साथ टकरना शुरू हो गया है। तो हम थोड़ा सा और इसको चाणेंगे ऐसे इधर से ऐसे प्लास से पकड़ के, और फिर दोबारा हम इसको ऐसे चाणेंगे ताकि इसका जो लूपर है उसका जो शेप है ये अपने शेप में आ जाए। तो ये सही तरीका है, और इसी तरीके से अगर आप करेंगे तो मसला हल हो जाएगा। और ये बिल्कुल नया लूपर है, ऐसा नहीं कि कोई पुराना लूपर है या कहीं से टिकड़ा हो गया है, ये बिल्कुल पन्नी में से निकाला हुआ है। इस तरीके से हमने इसको ऐसे चाणना है, और चाणने के बाद फिर दोबारा हम इसकी टाइमिंग को देख लेंगे कि टाइमिंग इसमें फ़र्क आया नहीं आया। तभी 19-20 का फ़र्क आया है, पहले ये बिल्कुल पीछे से चला जा रहा था, अभी ये थोड़ा सा टक्कर मार रहा। तो इसी तरीके से जब हम आगे लेके जाएंगे लूपर को तो फिर हम गेप चेक करेंगे, इधर से लूपर हमारा सेंटर में हुआ नहीं हुआ, ये अभी भी आउट है, इसको और ऐसे हम थोड़ा सा चाणेंगे। आपने ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके इसको घुमाते जाना है लूपर को, तो ये लूपर अपनी जगह पे आ जाएगा ऐसे। तो ये हमने इसको ऐसे घुमाया और फिर दोबारा इसका टाइमिंग हम देखेंगे ऐसे। अभी आपको दिख रहा होगा फ़र्क आ गया, पहले ये टकर रहा था, अब ये टकर नहीं रहा। दोस्तों ये अमल करते वक्त आपने ये जो इसके लूपर होल्डर का स्क्रू है, जो लूपर को होल्डर के ऊपर रोक के रखता है, ये स्क्रू आपने लंबा लगाना है, कम से कम 10-12 चूड़ी होल्डर के अंदर चढ़ा हुआ हो। अगर छोटा स्क्रू लगा हुआ होगा, 2-3 चूड़ी या 4 चूड़ी चढ़ा हुआ होगा, तो हमारा जो होल्डर है के अंदर जो चूड़ी बना हुआ है वो स्लिप हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने लाजमी ध्यान देना है, तब इसको चाणना है, नहीं तो फिर ये होल्डर स्लिप हो जाएगा, तो फिर आपको नया होल्डर लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा पाकिस्तानी टाइमिंग है, और अक्सर जो चाइना का लूपर है उसको मैं इसी तरीके से सेट कर देता हूँ। यानी कि अगर आप अपनी कंपनी में लूपर मंगवाएंगे तो तकरीबन ज़्यादातर लोग चाइना का जो लूपर वगैरह है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जापान है या ताइवान है वो महंगा बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम ऐसे जुगाड़ करके लूपरों को चला लेते हैं। तभी मेरे हिसाब से ये सेट है, इसको निडल का सुराख और लूपर का सुराख को आमने सामने करेंगे, और आमने सामने करने के बाद इसका गेप चेक कर लेंगे कि इसके अंदर गेप तो नहीं है, तो गेप नहीं है। और इसी तरीके से अगर आपका लूपर जो है वो नहीं बैठ रहा है तो आप इसी तरीके से इसको थोड़ा सा घुमा के बैठा सकते हैं। तो हमने 8 नंबर के पाने से इसका जो लूपर होल्डर स्क्रू है उसको हम टाइट कर लेंगे। दोस्तों इसके लूपर होल्डर को हम ऐसे यहाँ पे टाइट कर लेंगे, और टाइट करने के बाद अब इसका हम नाइफ वगैरह लगा के सिलाई निकालेंगे। दोस्तों लूपर होल्डर हमने टाइट किया, टाइट करने के बाद अपर लूपर और लोअर लूपर की टाइमिंग देखेंगे। तो अभी आपको जैसा दिख रहा होगा ये टकर रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपर लूपर को लूज़ करके और आगे कर देंगे, ऐसे हमने आगे कर दें, ये हमने इस तरीके का कर लेना। करने के बाद इसको हम हल्का सा टाइट करेंगे और एक राउंड फिर व्हील पूरा घुमा के देखेंगे। तो अब ये बेहतरीन लग रहा है, अब यहीं पे हम इसका सारा सामान लगाएंगे और लगा के सिलाई निकालेंगे। दोस्तों मशीन का हमने ड्रिल प्लेट नाइफ वगैरह सब लगा लिया है, और इसको मैन्युअली हाथ से आप चला के देखते हैं तो ये हमारा चेन निकलना शुरू हो गया। दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि ये हमारा जो पहले लूपर लगा हुआ था इसके ऊपर यहाँ पे आपको TW दिख रहा होगा, तो ये ताइवान का लूपर है, और हमने जब इसमें लोकल लूपर डाला तो कितना मेहनत करना पड़ा, उसके बाद जाके वो अपने जगह पे सेट हुआ। तो ये चीज़ आ जाता है अक्सर लूपरों में कि लूपर हमारा जगह पे सही बैठता नहीं है। इसका चेन निकाल लेते हैं, चेन निकाल के आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये हमारा चेन निकलना शुरू हो गया है, और कपड़े पे भी सिलाई करके देख लेते हैं कि सिलाई हो रहा है नहीं हो रहा। दोस्तों अभी इसको हम चला लेते हैं, ये हमने कपड़ा लगा दिया इसके अंदर,
ये हमारा बिल्कुल बेहतरीन सिलाई आ रहा है। बस ये है कि हमें ये लूपर लगाने में बहुत घुमाना पड़ा लूपर वगैरह को, और ये हमारा पाकिस्तानी टाइमिंग था। तो दोस्तों कमेंट्स में लाजमी बताइएगा पाकिस्तानी टाइमिंग किस तरीके का लगा आपको, और अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है सुन रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी लाजमी दबाइएगा ताकि मैं इस किस्म का कोई भी टेक्निकल वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।